गुड मॉर्निंग। तो ये रहा डे 2 हमारा, एंड आज हम शुरू करते हैं। यहाँ से बैंफ निकल रहे हैं। ये देखिए सुबह सुबह बहुत ही खूबसूरत मौसम कैलगरी का, एंड ऑलमोस्ट सारा रोड सन्नाटा है। तो आज हम शुरू करते हैं डे 2 जैसा बताया, एंड ऐसा कुछ प्रिपरेशन चल रहा है भाई। जल्दी 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 सब कोई रेडी हो रहा है। यस गुड परफेक्ट दिख रहा है। ओके ओ यस क्या विल गो अप यू हूँ से गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। यस चाय पिया नाश्ता के बाद से अभी हम लोग निकल चुके हैं। अब यहाँ से इस होटल से बैंफ की तरफ, जो कि 2.5 घंटे का नहीं नहीं 1.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से कैलगरी से। टीम निकल चुकी है। जैसा कि मैंने बताया नहीं था कि कल बताया नहीं कि सईद भाई भी साथ में है, वो थोड़ी देर बाद ज्वाइन किया लगभग 11 बजे के आसपास। सो एवरीथिंग इज गुड एंड लेट्स गो। चलिए भाई तो निकल चुके हैं हम होटल से, एंड ऐसा है कुछ कैलगरी का मौसम। सुबह सुबह काफ़ी दिनों बाद सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई। सुबह सुबह सही भाई तो 4 बजे ही उठ गए थे। भाई एक बहुत ही खूबसूरत लेक के पास, आवाज़ नहीं आ रही है। हम लोग पिछली बार आए थे यहाँ पे, आइस 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 था, आज पानी ही पानी है। लोग बहुत सारे फोटोज लेते हुए, एंड डन हमारे तो हो गया। पिछली बार आए थे तो हम बहुत ही ज़ोर से यहीं गिरे थे। ये स्पॉट अभी भी मुझे याद है। यस कहाँ गिरे थे? वो यहीं गिरे थे ना, यहाँ बादाम से गिरे थे। यस उधर नहीं गिरे थे, नहीं उतना दूर नहीं गए थे। यस एंड हम लोग अब चलते हैं, बहुत सारे लोग रुके हैं यहाँ पे। लेट्स गो सईद भाई एंड टीम। चलिए बहुत सारा जाना है, 1 घंटे के अंदर सब कुछ करना है। सो बी रेडी भाई। टीम निकलती हुई बैंफ डाउनटाउन, सी द माउंटेन्स। आइकॉनिक प्लेस जहाँ लोग आके फोटो खिंचाते हैं अपना। वाह सो ऑसम। मौसम सही नहीं है, बाकी सब जबरदस्त है। वाह व्हाट अ व्यू, जबरदस्त। पूरा का पूरा रोड ब्लॉक कर दी इन्होंने ताकि पब्लिक टहल पाए भाई। बैंफ कॉर्नर चौराहा जो है जबरदस्त, एंड इधर से ये पहाड़ी, उधर से वो पहाड़ी, इधर से ये पहाड़ी, चारों तरफ पहाड़ी में घिरे हुई बैंफ टाउन। परफेक्ट लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। छोड़ते हुए चलिए चलिए चलिए, वक्त कम है आज। कैनेडियन पोस्ट ओके। अच्छा लाइब्रेरी देखो। वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइब्रेरी। यू वहाँ से वो एक उसका व्यू आएगा, अभी चल रहे उधर। ओह साइकिल हाय। नहीं कुछ है यहाँ पे लुविस ट्रोनो, खूबसूरत सा इकरा। वाव उफ
वाओ सो आसम। कलर का फोटो, इस कलर का वाटर देखने के लिए ही लोग इतनी दूर आते हैं भाई, फोटो सीनिक जगह पे भाई लोग फोटो लेते हुए। वाओ व्हाट अ व्यू। सेल्फी का पूरा यूज करते हुए भाई, चीज ओके ओए स्लो। कहाँ आए एक राज? यस यस। दस बज गया फिर, हाँ रिटर्न उधर ही से निकलेंगे ना। हाँ काफ़ी अच्छा है स्पॉट्स, इवनिंग में मिल जाएंगे फिर। सेल्फ में बहुत कुछ है देखने को, हमने बस एक घंटे डेढ़ घंटे के लिए किया था तो निकलते हैं। बट ये देखिए भाई कलाकारी, ये है भाई बाइसन एंड परफेक्ट। चलिए इसी के साथ अब निकल रहे हैं हम लोग। Wow, look awesome. Yes. Oh, it's a moose. Yes. Full touristy place. इसी के साथ हमारा बैंफ का टूर एक घंटे के अंदर, डेढ़ घंटे के अंदर हमने फिनिश कर दिया, क्योंकि मेन तो लेक लुइस एंड लेक मुरेन है। तो उसके लिए भाई हमारा जो है, यस आर यू हंग्री क्रश? ओह यस वी विल गो एंड देन ईट। यस श्योर। पार्किंग की तरफ जाते हुए बैक टू पार्किंग एंड अब हम चलते हैं, लेट्स गो टू। ये अभी मेन कोर्स अभी बाकी है, दिस इज नॉट मेन कोर्स ओके। इकरा छोड़ते हुए हम लोग चल रहे हैं लेक लुइस की तरफ। एक्चुअली लेक लुइस में पार्किंग में जाना है, वहां से फिर शटल लेना है, तो बहुत सारे और भी चीजें होने वाली हैं, सो स्टे ट्यून। ये जो स्पॉट दिख रहा है ना, ये जो ऊपर जंगल जो स्पेशल से उगाया गया है, ये यहाँ पे भेड़ बकरियों को क्रॉस करने के लिए है, मतलब जानवर क्रॉस करने के लिए बनाया गया है। पीछे भी एक ऐसा ही रास्ता।